हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकलेशियस। आज मैं आपको कंजी चटनी की रेसिपी बता रही हूँ। उसके लिए क्या क्या सामग्री आपको चाहिए आप देख लीजिए। कंजी चटनी की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले कंजी बनाएंगे। तो मैंने एक गिलास चावल लिया है, जिसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए साफ करके धो के भिगा के रख दिया है। अभी ये चावल को हमको कुकर में डाल के बॉयल करना है। सबसे पहले हम कुकर में ये चावल डाल देंगे। ये मैंने चावल कुकर में डाल दिए हैं। नॉर्मल चावल बनाने के लिए अगर हम एक गिलास चावल लेते हैं तो 2 गिलास पानी डालते हैं, लेकिन कंजी बनाने के लिए मैंने 1 गिलास चावल लिए हैं और इसमें हम 3.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। तो मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। और नमक डाल देंगे टेस्ट के अनुसार और चावल को हम पका लेंगे 10 मिनट। 4-5 सीटी लगा के कुकर को खुद ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसमें मैंने नमक डाल दिया है और अभी कुकर बंद करके इसमें 4-5 सीटी लगा के पका लेते हैं चावल को। चटनी बनाने के लिए मैंने 1 कप फ्रेश कोकोनट लिया है, 1 कप मैंने चटनी का डाल लिया है और एक छोटा नींबू का साइज का मैंने इमली लिया है, 4 हरी मिर्ची ली है, 10 से 12 कड़ी पत्ता लिया है, 1 मुट्ठी भर के मैंने हरा धनिया लिया है, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है और 4 से 5 कलियां लहसुन की है और नमक टेस्ट के अनुसार ले लेंगे। ये सब हमको मिलाकर ग्राइंड करना है और पानी जितना पीसने के लिए लगे उतना ही पानी यूज़ करना है। ये चटनी थिक रहती है। अभी एक जार ले लेंगे और इसमें सारी चीज़ें डाल देंगे। हरा धनिया, इमली, मिर्ची, अदरक लहसुन और कड़ी पत्ता और जितना कम से कम पानी हो सके हम इसमें यूज़ करेंगे। खाली पीसने के लिए जितना पानी लगेगा उतना पानी हम इसमें ऐड करेंगे। अभी इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमारा चटनी बन गया है। इसमें मैंने बहुत थोड़ा पानी ऐड किया था जितना इसको पीसने के लिए लगा है और ये हमारा एकदम थिक चटनी बन के तैयार हो गया है। अभी इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। पहले देखिए हमारी चटनी एकदम बन के तैयार हो गई है, बहुत टेस्टी है। और जो हम इडली के साथ में और डोसा के साथ में चटनी खाते हैं वैसा ही रहता है, लेकिन जो हम कंजी के साथ में ये चटनी खाते हैं उसमें हम तड़का नहीं लगाएंगे। और ये चटनी अभी कंजी के साथ में खाने के लिए तैयार हो गई है। राइस हमारे एकदम परफेक्ट पक गए हैं। अरे मैंने एक नारियल लिया है फ्रेश कोकोनट, जिसको मैंने ग्रेट करके रेडी रख लिया है। अभी जो हमारे चावल पक गए हैं उसमें इसको ऐड कर देंगे। चावल में कोकोनट डाल देंगे और अच्छे से इसको राइस के साथ में मिक्स कर देंगे। हल्का सा पानी ऐड कर लेंगे। तो देखिए इसमें मैंने नारियल थोड़ा सा पानी ऐड किया है। हमको इस कंसिस्टेंसी का राइस चाहिए। और अभी हमारी कंजी एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गई है। गर्मा गर्म अभी हम इसको एंजॉय कर सकते हैं चटनी के साथ में। हमारी चटनी भी तैयार है, इसको सर्व करेंगे। ये मैंने 1 कप वाल सीड्स लिए हैं, जिसको सेम के सीड्स भी बोलते हैं और पापड़ी सीड्स के नाम से भी जानते हैं और इसको कड़वा सीड्स भी बोलते हैं। इसको मैंने 5-6 घंटा पानी में भिगा के रख दिया था। आप चाहिए तो इसको रात में भिगा के रख सकते हैं और सवेरे इसको बॉईल कर सकते हैं। इसको मैंने भिगा के रख दिया था, 5-6 घंटा हो गए हैं भिग के। और अभी हम इसको पानी में डाल के कुकर में डालेंगे और बॉईल करेंगे। ये मैंने कुकर में डाल दिए हैं वाल के सीड्स। इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे और 1 गिलास के आसपास हम पानी डाल देंगे।
और 4 से 5 सीटी इसमें हम लगने देंगे और कुकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए वाल के सीड्स पक गए हैं, इसको मैंने 4 सीटी लगा दिया था कुकर में और कुकर को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, एकदम अच्छे से गल गए हैं। ये देखिए अब इसका पानी निकाल देते हैं। ये हमारी कंजी चटनी और वाल के सीड्स बनके तैयार हो गए हैं। इसको गुड फ्राइडे का दिन खाया जाता है, आप ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन गुड फ्राइडे का दिन ये हमेशा बनाया जाता है और बहुत टेस्टी भी रहता है और बहुत इजी भी होता है बनाने के लिए, आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए। कंजी चटनी की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए।